आज़म्लिश्तरजीम बसम्स अल्लाम दे आर स्टूडेंट्स आज हम जो कॉन्सैप्ट पढ़ेंगे वो दो कॉन्सेप्ट हैं दैट इज़ मोनीटरिंग एंड मेटोरिंग हम इसकी डेफिनीशन्स पढ़ेंगे और जब हम ये कॉन्सैप्टस क्लियर कर लेंगे तो डेफिनेटली हम इसको इनको डिफरेंश भी कर लेंगे और इन हम इनको विद एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस करेंगे तो पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो मोनीटरिंग का है मॉनिटरिंग क्या है द पीरियडिक ट्रैकिंग पीरियडिक ट्रैकिंग क्या किसे कहते हैं वक्त के साथ साथ यानी कि कुछ फासले कुछ टाइम के साथ साथ चीज़ों को ट्रैक करना किस को ट्रैक जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है डेली ट्रैकिंग है वीकली ट्रैकिंग है मंथली ट्रैकिंग है यानी कि देखना उस चीज़ को जो काम किया जा रहा है उसको देखना कि किस तरह से कैसे हो रहा है वो ट्रैकिंग मंथली डेली हो, हो सकती है वीकली हो सकती है मंथली हो सकती है क्वार्टरली हो सकती है और एनुअली भी हो सकती है ये डिपेंड करता है उस एक्टिविटी पे, उस प्रोजेक्ट पे कि वो प्रोजेक्ट है कैसा उसी उसी उसकी मोनीटरिंग भी उस उस प्रोजेक्ट बेस्ड हो सकती है वो, वो कितना लेंथी है इसी तरह उसकी मॉनिटरिंग होगी तो दीरियोडिक ट्रैकिंग ऑफ सम एजुकेशनल एक्टिविटीज़ किन की मोनिटरिंग है एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की ठीक है एक्टिविटीज़ प्रोग्रेस बाय सिस्टमेटिकली गैदरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली क्या करना है जो है गैदर करना है और एनालाइज़ करना है क्या चीज़ डेटा और इंफॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के बारे में उनकी प्रोग्रेस के बारे में सिस्टमेटिकली डेटा और इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है और एनालाइज़ करना होता है इसे हम मॉनिटरिंग कहते हैं जो डाटा है वो इकट्ठा करते हैं किसके लिए एनालाइज़ करने के लिए और उसके बेस पे हम डिसीजन ले सकें कि आया कि ये काम करते रहना चाहिए या किस तरह से होना चाहिए ठीक है अगर उसमें कुछ है तो हम क्या उसमें चेंजिंग ला सकते हैं यह है मॉनिटरिंग अच्छा अब है कि मॉनिटरिंग की क्यों जाती है इट इज़ यूज़ टू ट्रैक चेंजेस इन प्रोग्राम आउटपुट्स एंड परफॉर्मेंस ओवर टाइम क्यों करते हैं हम मॉनिटरिंग यूज़ टू ट्रैक चेंजेस इन प्रोग्राम आउटपुट्स एंड परफॉर्मेंस इनके प्रोग्राम की जो आउटपुट है और जो परफॉर्मेंस है उसकी चेंजेस को ट्रैक करने के लिए देखने के लिए फॉलो करने के लिए ओवर टाइम वक़्त के साथ साथ इट प्रोवाइड्स रेगुलर फीडबैक एंड अर्ली इंडिकेशंस ऑफ प्रोग्रेस ये मोनिटरिंग हमें बता देती है क्या चीज़ बता देती है रेगुलर फीडबैक हमें इससे रेगुलर फीडबैक मिल जाता है और अर्ली इंडिकेशन्स ऑफ़ प्रोग्रेस और जो तरक्की हो रही है वो बिफोर टाइम पता चल जाता है कि जी इसमें इस तरह की प्रोग्रेस हो रही है और लेक ऑफ प्रोग हो सकता है उसमें प्रोग्रेस ना हो रही हो तो हम कहेंगे लेक ऑफ प्रोग्रेस इट्स परपज़ इज़ टू परमिट द मैनेजमेंट एंड स्टेक होल्डर्स टू मेक इंफॉर्म्ड डिसीजनस रिगार्डिंग द इफेक्टनेस ऑफ प्रोग्राम एंड द इफिशेंट यूज ऑफ रिसोर्स जो प्रोग्राम चल रहा है उसके जो मैनेजर्स हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि जिन लोगों ने वो काम शुरू किया हुआ है जो लोग उस उस उस, उस प्रोजेक्ट में उस काम में इन्वॉल्व हैं उन्हें क्या पता चल जाता है मॉनिटरिंग से मेक इनफॉर्म डिसीजन्स वो इन्फॉर्म डिसीजंस ले लेते हैं यानी कि इन्फॉर्म डिसीजंस वो होते हैं जो कि वो किसी भी काम को करने से पहले जो डिसीजन ले लिए जाते हैं जब ट्रैक किया जा रहा है साथ साथ तो साथ साथ डिसीजन भी लिए जा रहे हैं रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम्स एंड इफ़िशेंट यूज़ ऑफ़ रिसोर्स जो प्रोग्राम है उसकी इफ़ेक्टिवनेस के लिए और जो उसके लिए रिसोर्स हैं ताकि उनका सही इस्तेमाल हो सके इसलिए हम मोनिटरिंग करते हैं फॉर uh, एग्ज़ाम्पल uh, आप देख लीजिए स्कूल बेस्ड uh, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल्स इसकी मॉनिटरिंग और करिकुलम मॉनिटरिंग ठीक है कि करिकुलम जो डिवाइस किया गया है उसको मॉनिटर करना द पैसेज ऑफ टाइम uh, उन, उन उन उनके लिए उसकी डाटा और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना ताकि वो किस हद तक हम उसमें कामयाब हो रहे हैं ये हो गया मॉनिटरिंग अब हम करते हैं जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है व्हाट इज़ मेंटोरिंग ठीक है कि मेंटोरिंग किसे कहते हैं अच्छा मैंटोरिंग इज़ अ प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप ये एक प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है ठीक है महफूज रिलेशन तहफूज उसको दिया जाता है रिलेशनशिप बिटवीन अ लेस एक्सपीरियंस इंडिविजुअल एंड अ मोर एक्सपीरियंस्ड लेस एक्सपीरियंस्ड कौन है मैंटी है और मोर एक्सपीरियंस्ड कौन है मैंटोर है विच फैसिलिटेट्स सपोर्ट्स लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन मेंटर क्या करता है फैसिलिटेट्स करता है एंड सपोर्ट्स लर्निंग लर्निंग के बारे में सपोर्ट करता है किसको मेंटी को एंड एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सपेरिमेंटेशन में एंड हेल्प्स इंडिविजुअल्स और मेंटी mentee की मेंटीज की जो इंडिविजुअल्स मीन मेंटीज की हेल्प करता है डेवलप देयर पोटेंशियल के वो अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा माहिर बन सके ये है मेंटोरिंग अच्छा फिर है मेंटोरिंग रिलेशनशिप इज वन वेयर बोथ मेंटर एंड मैंटी रिकग्नाइज द नीड फॉर पर्सनल डेवलपमेंट दोनों अपनी डेवलपमेंट चाह रहे होते हैं कौन कौन बोथ मेंटर भी और मेंटर भी क्या चाह रहे होते हैं पर्सनल डेवलपमेंट अच्छा सक्सेसफुल मेंटोरिंग मेंटोरिंग इज बेस्ड अपॉन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी वो जो मैंने पहले बात पढ़ी इट इज़ अ प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप ये है कि ट्रस्ट होना चाहिए और कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए राजदारी से अपना काम को जारी रखे ये देखेंगे ये, ये प्रोसेस है जो मेंटरिंग का मेंटोरिंग का प्रोसेस है इसमें मेंटर क्या कर रहा है एक गोल है किसके लिए मैंटरीज के लिए ये गोल है तो उसके लिए क्या मेंटर क्या कर रहा है ट्रेनिंग दे रहा है मोटिवेट कर रहा है एड मशवरा दे रहा है डायरेक्शन दे रहा है कोचिंग कर रहा है सपोर्ट कर रहा है और उसके बाद क्या होता है सक्सेस मिलती है सारे काम करने सक्सेस किस मिल रही है मैंटी को और ये पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं मैंटोरिंग प्रोसेस भाई मैंटोरिंग मैंटोरिंग क्यों की जाती है देखिए द मैंटर्स प्रोवाइड द मैंटीज़ सपोर्ट एंड नॉलेज एडवाइस विजडम एंड करेजमेंट ये सब चीज़ें एक मैंटर मैंटीज़ को दे रहा है एज वेल एज न्यू स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल नॉलेज स्किल भी दे रहा है और इंस्टीट्यूशनल नॉलेज भी प्रोवाइड कर रहा है द मैंटीज बिकम मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉज और इस तरह मेंटीज़ क्या हो जाते हैं एक मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉज़ बन जाते हैं एंड इम्प्रूव वर्क प्लेस परफॉर्मेंस इनकी वर्क प्लेस परफॉर्मेंस जहाँ जिस जगह वो काम कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है बाई गेटिंग फीडबैक एंड गाइडेंस फीडबैक भी उनको मेंटर देता है और गाइड भी करता है ठीक हो गया फॉर uh, एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए कि अगर हमने बच्चे को पढ़ाना है यानी कि एक टीचर है उसकी मैंटोरिंग की जा सकती है कि किस तरह पढ़ाना है किस तरह से एक्टिविटीज़ करनी है किस तरह से uh, यूज़ करना है एवियर्स को यूज़ करना है तो वो एक मैंटोर जो है वो uh, एज अ जो टीचर है वो जो टीचर है वो एज अ मैंटी उसके साथ काम कर सकता है उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे और ये आपके लिए जो है कि सब्सक्राइब करें शेयर करें और ये सब कुछ सपोर्ट ये सपोर्ट ही है कि सपोर्ट करिए इसको ठीक है इन शाफिज़ मिलते हैं नेक्स्ट अपने लेक्चर में थैंक यू बाय